हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी कंचू। इस नेम प्लेट को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इसे ही क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने एक MDF बोर्ड ले लिया है, इस तरह से मैंने उस पर एक मार्किंग कर ली है स्केल की हेल्प से। उसके बाद मैंने कोन बनाई थी मार्बल पाउडर की। कोन बनाना अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोन बनाने का एक वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह से कोई भी रैंडम डिज़ाइन आप क्रिएट कर लीजिए। मैंने मुझे जैसी डिज़ाइन आती थी मैंने वैसी क्रिएट कर ली है। और अब पेंट कर देते हैं हम इसमें। मैंने एक्रेलिक पेंट्स लिया है और पेंट भी आप कलर भी आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। मुझे ब्लैक और ये येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था तो मैंने ब्लैक वाइट एंड येलो किया है। इस तरह से पूरे डिज़ाइन में आपको अच्छे से कलर कर लेना है। अब देखते हैं कलर करने के बाद हमें इसमें मिरर्स लगाने हैं। और ये जो आपको एक नेम दिख रहा है वो नेम भी मैंने मोल्डेड क्ले की हेल्प से इसमें मेंशन कर दिया है। आपको जो भी नेम लिखना है आप वो नेम लिख के इसमें स्टिक कर सकते हैं। और अब मैं बारी बारी करके मिरर स्टिक करते जाऊंगी। बस बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपका नेम प्लेट क्रिएट हो सकता है और आप किसी को भी इसे गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें एक आइडल बुद्धा का जो मैं स्टैचू लगाने वाली हूँ वो मैंने खुद ही बनाया है, वो भी जेम्स की बॉटल से। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसे मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हमारे मिरर सब धीरे धीरे मैं लगाते जा रही हूँ। जब मैं इस नेम प्लेट को बना रही थी तो मेरे पास टाइम बहुत ही कम था, मुझे 2 दिन में ही इसे रेडी करना था। और टाइम मेरे पास ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि मुझे अदर काम भी करने पड़ते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे जल्दी जल्दी क्रिएट करने के लिए कुछ इजी वे में बनाया जाए। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचा समझा नहीं और बस जैसा मेरे दिमाग में आता गया मैंने वैसे रैंडमली इसमें मिरर्स स्टिक कर दिए। और फिर भी इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे, और ये जिस दिन मुझे गिफ्ट करना था ये उसी दिन शाम को बन के रेडी हुआ। तो ऐसी हड़बड़ी में ये बना है।
अब सारे मिरर्स स्टिक करने के बाद मैंने जो इसमें नेम लिखा था उस पर मैं गोल्डन कलर से थोड़ा थोड़ा पेंट कर दूंगी, ऊपर से लगा दूंगी ताकि इसमें एक अच्छा लुक आ जाए और ये थोड़ा उभर के दिखने लगे। के बाद मुझे कहीं कहीं कुछ स्पेस खाली लग रही थी तो मैंने इसमें और कलर्स ऐड करने के लिए नाम के नीचे भी एक लीफ शेप में पैटर्न सा बना दिया है और कुछ फ्लावर्स भी बना दिए हैं और मैंने उसे थोड़ा सा कलरफुल कर दिया है ताकि ये एकदम सिंपल दिखाई ना दे, पर उसका वीडियो में शूट नहीं कर पाई हूँ। ये देखिए जो मैंने इसमें ये बुद्धा आइडल लगाया है, मैं आपको उसी के वीडियो के बारे में बता रही थी तो आप उसे जाके ज़रूर चेकआउट करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो बुद्धा आइडल मेकिंग वाला वीडियो भी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।